नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं टीएसएन न्यूज हैदराबाद। हबीब नगर पीएस सुदूत आगापुरा कट्टा मैसम्मा एसडी नगर दारू सलाम के पास गैर कानूनी तरीके से घरों में शराब बेचते हैं। पता चलने पर इंस्पेक्टर पी शिवचंद्रा ने टीम के साथ पहुंचकर शराब बेचने वाले तीन लोगों को किया गिरफ्तार। उनके पास से शराब की बॉटल्स कसीर तादाद में जब्त कर लिया गया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे फिरोज खान की रिपोर्ट। आज रात में मेरा शंकरलाल को एक इंफॉर्मेशन आ गया। वो इंफॉर्मेशन के बारे में हमारा पेट्रोलिंग स्टाफ पूरा मिलके स्वामी दयानंद नगर जाके चेक करे। उधर वो एम बालमणि, मंदीपला बालमणि और मंदीपला बालकृष्ण गौड दो आदमी वो इनका घर का सामने वो बेच रहा है, वो वाइन बॉटल्स बेच रहा है। उनको पकड़ के पुलिस स्टेशन को लेके आया, वो पूरा बॉटल के साथ लेके आया, उनका ऊपर में केस डाल दिए। और एक इंफॉर्मेशन आ गया और राजरला साई बाबा बोल के इन्हों कट्टमैसम्मा टेम्पल के बाजू में रहते हैं, इन्हों भी वो वाइन बॉटल्स बेच रहा बोल के इंफॉर्मेशन आ गया। उसके लिए भी इंक्वायरी करा, उसके लिए भी उनको भी पकड़ के लाया। उनके साथ भी बॉटल्स मिल गए, ये वाइन बॉटल्स। वो दोनों को कोर्ट में प्रोड्यूस करते, बाद में हमारा एसआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। चार्जशीट डाल सीज किया, अमाउंट कितना है सब इसका? ये टोटल इसका टोटल अमाउंट बोले तो स्वामी दयानंद नगर में ज्यादा बॉटल थोड़ा इंक्वायरी करके बोलना पड़ता पूरा बॉटल का एमआरपी कितना है। ऐसा एमआरपी कितना है तो एमआरपी का ज्यादा उन्होंने पैसा लेके बेचते, उन्होंने पैसा ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये कर लेते, उन्होंने ऐसा कर रहा है। इन लोग के ऊपर पहले के कुछ केसेस है क्या सर? पहले के ऊपर केसेस नहीं है, इनके ऊपर अभी ही केस है।